आदत होती है कि बर्तन में खाना खाने के बाद वहीं पर बैठे बैठे हाथ धो लेते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? तो उनको एक तरीके से शहनशाही की आदत हो गई है, शायद मुग़ल ख़ानदान के रहे होंगे कि वो उठ के हाथ धोने को अपनी शान के ख़िलाफ़ या ज़्यादा मेहनत का काम समझते होंगे, तो इसलिए वो बर्तनों में हाथ धो लेते हैं। जबकि बर्तनों में खाने के बाद हाथ धोना ये नापसंदीदा है और ये रिस्क में बरकत को ख़त्म करने वाला अमल है। यानी जो ऐसा है जिनकी आदत हो घर के अंदर के हाथ खाने के बाद उसी प्लेट में सालन की हाथ धो लिए जाएँ, तो ये घर से जो है ना वो बरकत को ख़त्म करता है, रोज़ी से बरकत को ख़त्म करता है। फिर बड़ों को देख के छोटों को भी यही आदत हो जाएगी, हो सकता है छोटे और ज़्यादा एडवांस हो जाएं, फिर वो टॉयलेट के लिए भी शायद बाहर ना जाएं और वहीं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें। लिहाजा खाना खाने के बाद उठना चाहिए और हाथ धोने चाहिए, और यही बच्चों को भी आगे तरबियत देनी चाहिए कि उठकर हाथ धोएं। और बाज़ लोग तो खाने के बाद ही हाथ नहीं धोते, ऐसे होते हैं कि खाना खाया बैठ गए, हाथ में रिमोट या मोबाइल लिया और काम शुरू, ये भी दुरुस्त नहीं है। खाना खाने के बाद फ़ौरन हाथ धोने चाहिए और खाना खाने के बाद हाथ धोना भी सुन्नत है और ये रोज़ी के अंदर बरकत को बढ़ाता है। विजिट करें wazifa.smsfarsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे।